तो जी इतनी परेशानी, इतनी टेंशन हो रही है ना अभी मुझे, चिंता सिर्फ अभी बाइक की हो रही है। बाइक से एक जगह चले जाए, क्योंकि मेरे बाइक में मेरा दिल बसता है अपने टाइगर में, जिसको मतलब यार सच में भाई कभी कभी लगता है कि सच में भगवान हमारे आसपास हैं। और भगवान ने भाई, आप फोटो देखो, मतलब जो टाइगर है उसके बगल से ही गुजरे इतने सारे पत्थर इतने। हेलो सो गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत प्रणाम आपका घांगरिया गोविंद धाम से। सुबह का दृश्य ऐसा है, और सुबह सुबह मतलब कुछ ऐसी खबर मिली यार जो सारे गांव वालों के लिए अच्छे नहीं है, क्योंकि यार पुलना गांव में जो शौचालय था वहाँ पे थोड़े बहुत पत्थर गिरे हुए थे, जिसकी वजह से एक गाड़ी पे नुकसान, एक स्कूटी पिचक गया। मेरी बाइक अभी कुछ नहीं कह सकते, वो पिचकी है नहीं पिचकी है, क्योंकि कवर कर रखी थी। मैं फ़ोटो दिखा दूँगा किस हालत में है मेरी बाइक और कैसा वहाँ का सीनैरियो है। तो भाई बहुत ही ज़्यादा चिंता में है अभी हम, क्योंकि यार भगवान ने कृपा करी, किसी को ज़्यादा चोटें नहीं आई और ये अच्छी बात रही। बट बाइक की अभी चिंता है मुझे कि कैसे उसे हटाया जाए, क्योंकि थोड़े बहुत जो है ना एक दो पत्थर गिरते रहते हैं, डर लगती है और वो ऐसा। तो भाई ये वीडियो आई है पुलना से, जो हम कैरम बोर्ड खेला करते थे जहाँ पे पार्किंग है, तो वहाँ पे देखो कितने बड़े बड़े बोल्डर्स घिरे हुए हैं पहाड़ों से। इसको देख के इतना डर लगा कि भाई कि भगवान ने, चलो किसकी जान नहीं गई इसमें भाई, किसी पे चोटें नहीं आई ज़्यादा। देखो रास्ते का क्या हाल हो रखा है, एक कार तो पूरी पिचक गई है, पूरा नीचे आप देख सकते हो कितना बुरा हाल। वो आने वाले बड़ी बड़ी लाइन टूट गई अब। तो जी संगत जी भी आ गई है। तो जी इतनी परेशानी, इतनी टेंशन हो रही है ना अभी मुझे, चिंता सिर्फ अभी बाइक की हो रही है। बाइक से एक जगह चले जाए, क्योंकि मेरे बाइक में मेरा दिल बसता है अपने टाइगर में, जिसको मतलब यार ऐसा लग रहा है ना कि देखो कैसी जगह पे खड़ी है। आपने फ़ोटो देखी होगी अपनी बाइक, भाई बहुत ही मन दुखी हो रखा आज। तो चलो ये अच्छी है कि भाई किसी को नुकसान नहीं हुआ, इंसानी नुकसान नहीं हुआ। एक एक स्कूटी दबी हुई थी और एक गाड़ी पे पत्थर गिरा हुआ था। तो ये पहाड़ों का जो चेंज है ये हमेशा होता रहता है पहाड़ों में, ये हमारे लिए नॉर्मल बात है। तो वही है, हम अपनी ज़िंदगी के 25-26 साल की उम्र में हमने हर एक चीज़ देख ली, कोरोना देख ली, आपदा देख ली, दो बार, ये तीसरी बार पत्थर गिर रहे हैं। गाँव में इतनी सारी चीज़ें हो रही है और इनको ये बैडमिंटन खेलने के लगी हुई, इनको कोई चिंता नहीं, दांत फाड़ रहे। भगवान नहीं है तो दुआ तो कर सकते हो। सच में भाई कभी कभी लगता है कि सच में भगवान हमारे आसपास हैं। और भगवान ने भाई, आप फोटो देखो, मतलब जो टाइगर है उसके बगल से ही गुजरे इतने सारे पत्थर, इतने बड़े बड़े बोल्डर्स, और वाहनों को तो नुकसान हुआ। तो थैंक गॉड, आप सबकी दुआएं और भगवान का प्यार आशीर्वाद। जितनी अटैचमेंट मेरी मिशू के साथ है, वही वैसे ही फैमिली मेंबर मेरा अपना टाइगर है। और अभी कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत डैमेज होगा वो अलग बात है, बट भगवान ने बहुत कृपा करी है, परमात्मा ने बहुत ब्लेसिंग है, उनका आशीर्वाद है। थैंक यू सो मच सबके लिए, जितने भी अच्छी अच्छी दुआएं आप सब लोग देते हो, कहीं ना कहीं उसका असर असल ज़िंदगी में भी होता है। और परमात्मा हमारे पास है, हमारे साथ है, हमेशा रहेंगे, तो वही है। तो भाई अभी फाइनली शाम को जो है बाइक निकाल दी है, और यार मतलब किस्मत वाली बात देखे, एक खरोच नहीं आया, पूरे दो छप्पर चले गए। वो 15-20 लाख की जो मशीन थी डंपिंग, वो हट गई, और वहाँ पे मेरे ही बगल पे एक स्कूटी थी, वो भी मतलब पूरे पिचक रखी है, और कार पिचक रखी है। भाई मैं भगवान का शुक्रिया कैसे करूँ, सच में आज अभी मेरी चिंता दूर हुई। पापा का फ़ोन आया, थोड़ा नेपालियों ने रास्ता बनाया, फिर निकाला उठा उठा के, और चल रही है एक खरोच नहीं। तो भाई करिश्मा होता है भगवान का, भगवान को मानो तो सब कुछ है, नहीं मानो तो कुछ नहीं है, चमत्कार मानो तो है,
चमत्कार नहीं मानो तो कुछ भी नहीं है। तो बहुत अच्छा लगा भाई, अभी तो मैं इतना ही इमोशनल हो गया कि बाइक के लिए मैं सुबह से टेंशन में था, सोच रहा था आज ब्लॉग भी ना बनाऊं, बट चलो किस्मत अच्छे साथ दी और भगवान का जय हो भाई, जय हो भोलेनाथ भाई गुरु जी, जय हो। तो बहुत खुशी हो रही है। चलो अब यह है कि अब मैं ब्लॉग बना सकता हूँ। देखो कुछ ऐसा माहौल है, संगत जी भी आ रही है और खुशनुमा माहौल है। देखें भाई आज आप इतने टेंशन में क्यों थे सुबह से? टेंशन में था भाई बाइक की वजह से, और अभी अच्छा हो गया। अच्छा तो मतलब आपकी बाइक तो सेफ होगी ना वहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल सेफ है। देखो यार इनकी तो दुआएं, इनकी दुआएं भी साथ है, इनका प्यार भी साथ है भाई साहब। खुशी हुई यार क्योंकि वहाँ पे ना काफी सारा पत्थर गिर रहा था, तो हमें लगा यार बाइक ही बाइक पे स्क्रैच आ जाएगी, वो जो बाइक ही जान है। चलो बाइक मेरी जान है भाई। टाइगर लव यू, टाइगर लव यू सो मच, और सबका थैंक यू, सभी की दुआएं रहती है, सभी का आशीर्वाद रहता है। भगवान जब तक है तो एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो इतनी बड़ी चट्टान आई पर बाइक को एक खरोचने आई, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो आज विश्वास परमात्मा भगवान वाहिगुरु जी पे और बढ़ गया है भाई। आज बाइक बच गई है, तो इस खुशी में इस बालक के लिए क्या खाएगा बोल? बिस्किट खाऊंगा। तो इसको बिस्किट खिलाते हैं। चल भाई संतोष भाई एक बिस्किट दे यार। भगवान का आशीर्वाद करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या? बिस्किट। जानवरों को कुछ खिलाओ, कुछ खिलाओ। तो संतोष भाई को भी मैं कुछ गुड़ वगैरह खिला दूंगा, और साथ में इसको भी। ये ले जी, ये ले, खा 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 बिस्किट खा। आलू लोबिया का खाचा बिस्कुट वो खाएगा नहीं? ये देखो जी बिस्कुट खा रहा है, ये आज की खुशी बच्चों के नाम। ठीक है खा खा खा, तब दूंगा ये। भगवान को थैंक यू करने का यही बेस्ट तरीका है, क्योंकि भगवान सभी जगह है, कण कण में है, और ज़रूरतमंदों की हेल्प और खुशी इनके नाम। हमारे चेयरमैन लगे हुए हैं काम पे, दौड़ा भागी, और काम करते करते दाढ़ी भी सफ़ेद हो गई है। ऑफिस का काम लगे रहना और होटल भी देखना, वहाँ पे दो दो जगह, वो भी स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों जगह। आजकल समय है तो इको डेवलपमेंट कमेटी में भी कुछ ना कुछ रेनोवेशन का काम किया जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे पुट्टी वगैरह लगाई जा रही है, देखें ये देखो, ताकि चमक उठे, और कुछ ना कुछ हर साल कुछ ना कुछ नया इनोवेशन करना ही होता है। तो ये है अपना डॉक्यूमेंट्री हॉल, यहाँ चेयरें लगी हुई है, तो यहाँ पे बैठ के आपको पर्दे पे दिखाई जाती है डॉक्यूमेंट्री, जो कि 2024 में 2004 के टाइम 5 के टाइम बनाई गई थी। बाकी आज अस्त व्यस्त है, एक दो दिन और लगने, फिर उसके बाद आप आ सकते हो, ऑलवेज वेलकम। तो भाई फैमिली सब सेफ है, पुलना गाँव में कोई दिक्कत नहीं है, आपकी दुआओं से सब अच्छा है, भगवान की कृपा से सब ठीक है, कुछ भी ज़्यादा नुकसान नहीं, और रास्ता भी क्लियर हो चुका है, संगत जी बता रहे थे सब ठीक है। बाकी तो आज चाय वगैरह पी लेते हैं यहाँ पे संतोष भाई। संतोष भाई और भाई बहुत खुश है आज, खुश था कि दुखी था? मैं सुबह सुबह दुखी था, अभी खुश था। खुश इसलिए हो यार, अपनी टाइगर अपनी जान बच गई, और यहाँ पे बना रहा है गर्मा गर्म चाय। तो जी अचानक से शुरू हो गई है बारिश, और अपने भाई के साथ मैं यहाँ पे। कैसा है भाई? कैसा है? बढ़िया। आज गए थे स्ट्रीम गुड नहीं गए? आज काम नहीं मिला आपको? नहीं मिला। तो क्या किया फिर? तो भाई भाई देखो बहुत मेहनत, इतनी हमारी मेरी हाइट से भी कम है, लेकिन इतना वेट उठा लेते हैं। देखो टूरिस्ट भी आ गए हैं, खुश हो जाते हैं यहाँ पे आते ही। और कुछ ऐसा मौसम है, अभी बर्फ पड़ गई है, बर्फ बोल रहा, अभी बारिश पड़ रही है, और सामने वाली पहाड़ी देखें। तो भाई अंधेरा भी हो गया है, कुछ ऐसा माहौल है, संगत जी काफ़ी आए, मौसम भी खुल गया है अभी, और अभी रात का माहौल कुछ ऐसा है। तो जी अपने संतोष भाई जी अभी भी सन कैप पहने हुए हैं, रात के अंधेरे में क्या बोलना चाहोगे? धूप में लगाने की जरूरत है, धूप में तो मोटी वाली कैप पहनता है। हाँ बड़ी जैकेट, वो मंकी कैप। हाँ अभी पहन रहा हूँ वो सन कैप।
भाई देखो मेरी मर्जी है क्योंकि मेरे को ना तो कर्म होता है। मर्जी किसकी होती है? मर्जी तेरी है। मर्जी किसकी होती है? मर्जी तो भाई गधे की होती है। अरे यार संतोष भाई, यार मैंने कुछ बोला तो जी, कुछ ऐसा माहौल है, मौसम क्लियर हो चुका है, बैडमिंटन गेम चल रहा है और थोड़ा खाने की तैयारी करते हैं और इसी के साथ ब्लॉग की भी समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय दोस्तों।